और उसमें उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उनके आला अधिकारी, भाजपा के तमाम नेता, उनकी पूरी ट्रोल और आईटी सेल की आर्मी लगी हुई है। जातीय दंगों की बात करी जाती है, ये एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत योगी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई नोटिस इश्यू करने से पहले एफिडेविट लेकर, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो एडवोकेट जनरल यूपी के द्वारा आना चाहिए था। अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो यह सिर्फ जबानी जमा खर्च है, क्योंकि सीबीआई की प्रोब आप इधर मांग रहे हैं, एसआईटी से भी प्रोब करा रहे हैं, सारा अत्याचार कर रहे हैं। ये मैं एक ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती थी। और दूसरा मैं एक ऑन रिकॉर्ड एक बात और रखना चाहती हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं और आज सवेरे ही वापस लौटी हूं, कि जिस तरह से विक्टिम शेमिंग, जिस तरह से उस लड़की को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उनके आला अधिकारी, भाजपा के तमाम नेता, उनकी पूरी ट्रोल और आईटी सेल की आर्मी लगी हुई है, यह निंदनीय नहीं, यह बहुत बड़ा अपराध है। एक लड़की जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और अब उसको सिर्फ बदनाम करने का दुष्प्रचार किया जा रहा है, और इसमें आला अधिकारी तक शामिल है। इस बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपके माध्यम से फिर से ये याद दिलाना चाहूंगी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक बार नहीं पचासों बार कहा है कि रेप हुआ नहीं है, क्योंकि सीमन, या जिसको हिंदी में वीर कहते हैं, वो मिला नहीं है। उनको शायद 30 साल पुराना और जो पहले उनको कानून पुलिस अकेडमी में पढ़ाया गया था वो याद है, क्योंकि सच तो ये है कि जो आईपीसी की धारा 375 है वो हमारी सरकार ने निर्भया कांड के बाद 2013 में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बदली थी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुल नाथ भी कहता है कि रेप के लिए सीमन का मिलना या पीनस पेनिट्रेशन होना अनिवार्य नहीं है, उसकी कोशिश करना भी रेप है। यह लॉ बदल चुका है, शायद एडीजी महोदय को यह लॉ पता ही नहीं है, और इसी को बार बार वो विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। जिस लड़की के साथ इतना दुष्चार हुआ उसी को बार बार बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। मैं एक बात आप सबके माध्यम से जरूर लोगों को बताना चाहती हूं, और मेरी बात का मुख्य बिंदु यही है, जैसा कि सुष्मिता जी ने इस एफिडेविट के तमाम पहलुओं पर बोला और रजनीताई ने भाजपा और संघ की मानसिकता पर बोला, जब कोई हथकंडा नहीं बचता है यूपी सरकार के पास, जब वो झूठ भी बोलती है, अंडर ओथ परजरी जिसको कहते हैं वो भी करने को तैयार है, तो वो एक नया हथकंडा अपनाती है, एक मनगढ़ंत जातीय दंगों की बात करी जाती है, और उन्होंने तमामो अपने एफिडेविट और एनेक्सर्स लगाए हैं, उन्होंने अपनी आईटी सेल के माध्यम से यह सबको बताना चाहा है कि यह इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत योगी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम TNNI।